हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो दोस्तों आप लोगों ने होली अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा त्योहार वगैरह आप लोगों का पूरा मन चुका है अब आप लोग वापस आ जाइए पढ़ाई में आप लोगों का दोस्तों फेस्टिवल था इसलिए कल की क्लास ऑफ थी आज से आप लोगों की सारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगा आपको पता ही है रेलवे आधार बैच वन स्टॉप सोल्यूशन आपका कंप्लीट मैथ रीजनिंग जीके साइंस का मात्र चौदह सौ में अगर केवल आप लोग साइंस परचेज करना चाहते हो सेवन में दोनों की कोर्स की बात में बात करेंगे डिटेल में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को गुड मॉर्निंग आप सभी को चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए बताइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कि डैश में मौजूद होता है आपको बताना है इसकी लोकेशन बतानी है तो देखिए आपको ये तो पता ही है कि जो साइटोप्लाज्म है जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं आपको कोशिका में मिलता है अब कोशिका में कहां पर तो अगर आप लोग देखेंगे हमारी कोशिका की बात करेंगे कोशिका की सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं आप लोग सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और दोस्तों इसके अंदर जो लेयर होती है इसे आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारी सेल में बात करें है ना ह्यूमंस की एनिमल की उनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती यानी हमारी सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होगी आपको पता है दोस्तों न्यूक्लियस भी होता है केंद्र भी होता है तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है एक जेली जैसा आपका लिक्विड भरा होता है जेली जैसा थोड़ा सा हर ऐसे जे, जेली आप लोग जानते ही हो तो वहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य तो बेसिकली कहां पर है ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका जिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में है आप लोगों का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर है क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए ध्यान से देखिए सर पेड क्लास नहीं चल रहा शुभम जी कल आपका ऑफ था क्लास का आज से आपकी क्लास शुरू होगी आपको कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर संपर्क कर लो ठीक है चलिए आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा अग्रनुलसाइट्स है या फिर आप लोग इसे हिंदी में अ कणिका काय भी बोल सकते हैं ठीक है अब देखो ए कर्णी का काय देखो अगर आप लोग ऑप्शन में ध्यान से देखोगे न्यूट्रोफिल एजनोफिल बेसोफिल मोनोसाइट ये सारी क्या है दोस्तों डब्ल्यू का एक टाइप है अब देखिए डब्ल्यू आपको पता है एक प्रकार की सेल है कोशिका है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है तो देखिए दोस्तों कोशिका जो होती है ना कोशिका के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है और आपको पता है जो लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य दोस्तों कुछ कुछ डब्ल्यू ऐसी होती है जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना कोशिका द्रव्य इसमें कण जैसा कुछ पाया जाता है है ना छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते हैं तो ऐसी डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइड और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं का का कुछ कुछ WBC ऐसी होती है जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी कण नहीं पाया जाता ऐसे ग्रेनुअल छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते ऐसे डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं अग्रनोसाइट और हिंदी में आप लोग बोलोगे अकिका काय समझ में आ गई बात को तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो मोनोसाइट है और जो लिंफोसाइट जो कि डब्लू बीसी का टाइप है ये दोनों होती है अग्रेनोसाइट जबकि दोस्तों बेसोफिल न्यूट्रोफिल ये डब्ल्यू बीसी है? है और कैसी है आप लोगों की ग्रेनुलोसाइट है आप लोगों से अग्रेनुलोसाइट पूछा गया है का अक्रेनिको काय पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का मोनोसाइट तो मोनोसाइट भी होता है और लिंफोसाइट भी होता है क्लियर है क्या चले आगे चले आप लोगों के समझ में आ गई सर यूट्यूब में फ्राइडे से क्लास नहीं हुआ देखो आ, फ्राइडे को तो हुआ था आपको सैटरडे संडे का हम लोग ऑफ रखते हैं सैटरडे को आपके स्पेशली रीजनिंग की क्लास लगाई थी संडे को मैथ्स की लगाई थी मंडे को होली था है ना वरना आप लोगों की क्लास पता है रेगुलर होती है चलिए दोस्तों समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर टू आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे यहां पर एक कॉलम वन में आपको कुछ दिया हुआ है कॉलम टू में आपको कुछ दिया हुआ है तो आप लोगों को मिलान करना है मैं आपको बताऊं कॉलम वन में जो भी चीजें दी गई है सारे के सारे क्या है आप लोगों के एंजाइम्स है तो आपको ये बताना है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां पर बनते हैं ये आप लोगों को बताना है चलिए बताओ तो लैक्टेज एंजाइम कहां पर बनता है लाइपेज एंजाइम कहां पर बनता है पेप्सिन एंजाइम कहां पर बनता है एमाइलेज एंजाइम कहां पर बनता है चलिए बताइए दोस्तों आपको पता है जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे माउथ की ठीक है हमारे माउथ की तो माउथ में क्या होता है सलाइवा बनता है लार बनता है और लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एमाइलेज तो क्या मैं एमाइलेज को माउथ से कनेक्ट कर दू क्या तो डी को मैं पी से कनेक्ट कर दू क्या लेकिन आपके मन में एक डाउट आएगा क्या सर कि सर हमारा जैसे मान लो ये हो गया फूड पाइप ये हो गया पेट आपका ये हो गया छोटी हाथ सर यहां पर जो पैनक्रियास है अग्नाशय है उससे भी तो सर आप लोगों का ये एंजाइम बनता है एमाइलेज नाम का तो मैं आपको बता दूं पेनक्रियास होता है ना अग्नाशय इससे तीन एंजाइम बनते हैं एक तो एमाइलेज एक बनता है आपका लाइपेज और एक आप लोगों का कौन सा बनता है कौन बताएगा एक बनता है आप लोगों का ट्रिप्सिन तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जो एमाइलेज है वो हम लोग इससे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं ये एमाइलेज एंजाइम आपके सलाइवा लार में भी पाया जाता है या मैं बोलूं माउथ में भी बनता है और के द्वारा भी बनता है लेकिन अगर आपने एमाइलेज को से कनेक्ट कर दिया तो फिर माउथ से किसको कनेक्ट करोगे नहीं कर सकते ना जबकि लाइपेज जो होता है वो भी आपका एंजाइम पेन से निकलता है तो अगर आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो लाइपेज को इससे कनेक्ट करा दो कोई दिक्कत है क्या नहीं दोस्तों हमारी जो छोटी आत होती है ना छोटी आंत के अंदर आपके तीन एंजाइम बनते हैं एक बनता है लाइपेज सॉरी एक बनता है आप लोगों का माल्टेज एक बनता है आप लोगों का सुक्रेज एक बनता है आपका लैक्टेज। तो ये जो आपका एंजाइम है लैक्टेज ये आपका कहां पर बनता है छोटी आंत में बनता है और ये किसका पाचन कराता है लैक्टोज का पाचन कराता है तो ए आप लोगों का मैं आर से कनेक्ट कर देता हूं दोस्तों आप लोगों को ये भी पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पेप्सिन जो कि आपके प्रोटीन का पाचन कराता है तो सी आप लोगों का मैं क्यू से कनेक्ट कर दू तो कर दो ए आप लोगों का आर से कर दो ठीक है बी आप लोगों का एस से कर दो सी आप लोगों का क्यू से कर दो और डी आप लोगों का पीछे कर दो तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा क्लियर है क्या चले आगे अरे यस कमेंट करिए सभी और किसी बच्चे को कोई बैच से संबंधित कर लेनी प्लीज कमेंट मत करो इस नंबर पर संपर्क कर लो ठीक है यार यहां पर मुझे पढ़ाने दीजिए बोले सर जैसे बैच कैसे परचेज करे सर क्लास कितने बजे होती है ठीक है एक लड़का है जिसका नाम है में सरकार वो पिछले में

नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री था चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर बताओ दोस्तों आप लोगों को ये बताना है। ये अगर किसी में है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे मान लो कोई सर्किट उसमें में लगा हुआ है ये लगा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप लोगों को बताना है बताओ गुरुवंत सिंह जी आप लोग कस्टमर केयर पे कॉल कर ले ठीक है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं इस नंबर पर संपर्क कर ले सेवन थ्री सेवन फोर जीरो वन नाइन फोर थ्री सेवन बताओ तो ये जो सिंबल है आप लोगों का किसको दर्शाता है ये आप लोगों को बताना है देखिए दोस्तों क्लास टेन का एनसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर दोस्तों ये आपको सिंबल दिए हुए हैं सभी सिंबल का आप लोगों को ध्यान रखना है और आई होप आप लोगों को बहुत सारे सिंबल पता भी होगा जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि सर इस वाले सिंबल ये वाला सिंबल किसका है दोस्तों ये वाला सिंबल है आप लोगों का बल्ब का तो बल्ब का सिंबल ये भी होता है और ये भी होता है इसका मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी सर्किट में है ना ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है तो आप लोग क्या बोलेंगे यहां पर बल्ब लगा हुआ है समझ में आ गई बात को कोई परेशानी नहीं है ना तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग समझना बताओ सर आपका कंटेंट गजब का है और मैंने आपकी पूरी वीडियोस देख ली सीरीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल दोस्तों होंगे जब आप लोग डेली क्लास से जुड़ोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बताओ देखो एक ओम के तीन प्रतिरोधों को एक त्रिभुज बनाने के लिए जोड़ा गया है ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास में तीन प्रतिरोध थे है ना ये एक ओम का ऐसे ही आप लोगों का एक ओम का ऐसे ही आप लोगों का एक ओम का आपके पास में तीन प्रतिरोध थे तीनों को आपने इस प्रकार जोड़ना है कि आपका एक ट्राइंगल बन जाए तो क्या मैं डायग्राम सही बना रहा हूं क्या देखो ये मान लीजिए ये रहा आप लोगों का वन ओम का बताइए फिर ये आप लोगों का वन ओम का बताइए और फिर ये आप लोगों का वन ओम का बताइए क्या ये तीनों मिलके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं क्या ट्राइंगल का निर्माण कर रहे हैं क्या बताइए बिल्कुल किन्हीं दो टर्मिनलों के बीच में प्रतिरोध कितना है देखो यहां पर तीन टर्मिनल है टर्मिनल का मतलब जहां पर कोई दो प्रतिरोध जुड़ता हो जैसे एक टर्मिनल ये रहा एक ये रहा एक ये रहा आपकी जो भी इच्छा हो किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का आप लोग रजिस्ट्रेंस निकाल दीजिए है ना के के बीच प्रतिरोध कितना होगा जैसे मान लो ये टर्मिनल में मान लेता हूं ए और ये मैं मान लेता हूं बी।, तो बेसिकली ए और बी के बीच का आप लोगों को समतुल्य प्रतिरोध निकालना है ठीक है अब इस ए और बी के बीच में आपको लगेगा कि सर ये ए का प्रतिरोध आ रहा है अरे यार ये भी तो है ए और बी के बीच में ही तो आ रहे हैं ये तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे देखो सीधे सीधे चलोगे ये ए कोम और ये ए क्या ये दोनों सीरीज में है क्या श्रेणी में है क्या देखिए दोस्तों वापस देखिए देखो वन ओम और चलते जा रहे रो चलते जा रहे हो ये भी आपका वन ओम मिल रहा है दोनों प्रतिरोध में सीरीज में है श्रेणी में तो जब भी कोई दो प्रतिरोध श्रेणी में होता है उनका समतुल्य कैसे निकालते हैं सर सिंपली ऐड कर देते हैं तो आप कर कर दो देखो जै, जैसे आपका ये पॉइंट आ गया आपका ए और ये पॉइंट आ गया बी तो ये ए कोम और ए कॉम ये टोटल कितना हो गया मैं बोल सकता हूं क्या सर दो ओम हो गया बताओ ऐसा बोल सकता हूं क्या और यहां पर है आपका वन ओम तो ये हो गया आप लोगों का वन ओम क्या ये नया डायग्राम बन गया अब इस ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये दोनों किस में पैडल में एक दूसरे के समांतर है ना ये एक ओम के जस्ट पैडल है आपका ये तो जब भी कोई दो प्रतिरोध समांतर में होता है उसका समतुल्य कैसे निकालते हैं वन अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू तो वन अपॉन आर वन पहला प्रतिरोध किसको मान लो इसको पहला मान लो प्लस इसको दूसरा मान लो तो ये कितना हो जाएगा वन अपऑन आर इक्वेलेंट इधुम टू आ गया इधर आ गया वन इधर आ गया टू तो थ्री बाय आ, आ गया आपका one by R equivalent की और R equivalent की वैल्यू वैल्यू और कितनी आ आ आ जाएगी जाएगी ओम समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है कोई परेशानी तो नहीं है किसी को क्वेश्चन सिंपल था कोई भी परेशानी तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है सर आगे चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से अपलो करिएगा बताओ बताओ बहुत बढ़िया वेद प्रकाश जी आयुष जी कुलदीप शिवम टिंकू वसीम जयंता रवि बॉय बहुत बढ़िया बताओ देखो क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है वर्ग एक से एक तत्व लिया आपने x जैसे आपको पता है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल अठारह ग्रुप है वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं ना तो पहले ग्रुप से आपने कोई तत्व लिया x मुझे नहीं पता ये तत्व कौन सा है लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है मुझे नहीं पता और आपने सोलवे ग्रुप से एक तत्व लिया जिसका नाम है वाई तो आप लोगों से यह पूछा गया है कि जब ये x और y के साथ में जब मिलेंगे मिले मिलके जब एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा XY होगा या एक्स टू वाई होगा, होगा? देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो आप लोग एक एग्जांपल ले लो देखो पहले ग्रुप में क्या क्या होता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ऐसे होता है तो चलिए दोस्तों मैंने ले लिया सोडियम ठीक है सोडियम ठीक है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है ग्यारह होता है परमाणु क्रमांक ग्यारह परमाणु में प्रोटोन की संख्या कक्षा होती है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों दो रह सकते हैं दूसरे में आठ तो ग्यारह में से दस को तो आपने सेट कर दिया बचा हुआ एक अगली कक्षा में चला जाएगा क्लियर है ठीक है सोलवे में कौन कौन रहता है ऑक्सीजन सल्फर तो मैंने ऑक्सीजन को उठा लिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है है तो इसका परमाणु में प्रोटोन की संख्या आठ जितने प्रोटोन उतने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए है अगली कक्षा में चले जाएंगे दोस्तों क्या ये स्टेबल है क्या नहीं सर क्या ये स्टेबल है क्या नहीं क्यों क्योंकि दोनों के ही बाहित कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके आठ कैसे हो जाएंगे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसके कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर इसके पास में कहीं से दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसके में आठ हो जाएंगे ये भी स्टेबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो जाएगा जा सोडियम के पास में या मैं बोलूं सोडियम जाएगा ऑक्सीजन के पास में कि ऑक्सीजन भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो तेरा काम हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया मेरे को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए एक का मैं क्या करूंगा तो सोडियम बोलेगा एक काम करो मैं अपने जैसा एक बंदा और देख के लाता हूं क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है कोई दूसरा सोडियम होगा उसको भी एक इलेक्ट्रॉन देना है तो हम मिलके टोटल दो दे देंगे और आपको दो ही तो चाहिए तो आपका काम हो जाएगा तो सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा जो फॉर्मूला होगा क्या बनेगा वो ऐसा बनेगा क्लियर है क्या तो यहां पर सोडियम आप एक्स मान लो ऑक्सीजन को वाई मान लो तो एक्स टू वाई आ गया बात समझ में ठीक है तो मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर दे रहे थे ऑप्शन नंबर बी और वो सोच भी नहीं रहते आप कॉपी पेन लेके करा तो करा करो बस लगा रहे हो एक्स वाई एक्स टू वाई एक्स वाई टू बताओ तो भाई ऐसे नहीं होने वाला एग्जाम में भी यार आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे थे पता नहीं क्या सोच के दे रहे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कोई रट रखा है क्या कि सर एक बार आपने ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर एक्स वाई था अरे तो उस समय जब मैंने क्वेश्चन करवाया तो हो सकता है यहां पर वर्ग वन से एक तत्व एक्स लिया हो, यहां पर वर्ग सत्रह से कोई तत्व वाई लिया हो। तो आप लोग चीजें समझो चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ बताओ सिड्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोगों को बताना है अब ये सिडराइट क्या है दोस्तों सिडराइट जो है ना वो लोहे का ही एक अयस्क है सर अयस्क किसको बोलते हो आपको पता है जितनी भी मेटल्स होती है ना वो आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलती जैसे बात करें कैल्शियम की तो जब कैल्शियम आपका ऑक्साइड स्टेट में मिलता है या आप लोगों को कैल्शियम आपको सल्फेट स्टेट में मिलेगा या कैल्शियम आपको कार्बोनेट स्टेट में मिलेगा फिर इससे आपको कैल्शियम निकालना पड़ेगा तो ये तीनों क्या हो गए कैल्शियम के अयस्क हो गए समझ में आ गई बात को सिमिलरली दोस्तों जो आयरन होता है ना वो कभी आपको सल्फेट स्टेट में मिलेगा कभी ऑक्साइड स्टेट में मिलेगा कभी ऐसी वाली ऑक्साइड स्टेट में मिलेगा कभी कार्बोनेट स्टेट में मिलेगा तो ये सभी क्या हो गए आयरन के अयस्क हो गए इनका अलग अलग नाम है तो जब आयरन आप लोगों को कार्बोनेट स्टेट में मिलता है तो इसी अयस को हम लोग सेट्राइड के नाम से जानते हैं ठीक है जब आयरन आपका कार्बोनेट स्टेट में मिलता है जब आप लोगों का आयरन ऐसे वाले ऑक्साइड में मिलता है Fe2O3 तो इसको आप लोग हेमेटाइट बोलते हैं जब एफ जब Fe3O4 इस वाले अवस्था में मिलता है तो इसको आप लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समझ में आ गई बात को क्लियर है क्या एक लड़का है जिसने अपना नाम रख रखा है जोकर जिसने अपना नाम रख रखा है जोकर क्योंकि वो खुद ही मानता है कि वो है क्या एक्चुअली में और बोल रहा है कि सर आप धोखा दे रहे हो क्योंकि आप है ना मिक्स क्वेश्चन करा रहे हो आप चैप्टर वाइज नहीं करवा रहे तो इसलिए आप धोखा दे रहे हो तो इंसान को क्या होता है बुद्धि तो भ्रष्ट है ही नाम भी जो कर रख रखा है यानी उनको यह मतलब नहीं है कि सर आप क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हो एक एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा नहीं सर आप चैप्टर वाइज नहीं करवा रहे इसलिए आप धोखा दे रहे हो हाँ मैं धोखा दे रहा हूं तुम ले लो धोखा ठीक है तो सिलेक्शन तो तुम्हारा होना नहीं है पढ़ाने में ध्यान है नहीं कभी सर इस डब्बे का कलर नीले की जगह सर लाल कर दो सर बैकग्राउंड कभी काला कर दो सर कभी पीला कर दो तुम्हारा यही चलता रहेगा जीवन भर ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर समझ में आ गया बताओ बताओ बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी क्या है जैसे आपको पता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे तो है नहीं शुरुआत में उसके दातों धीरे धीरे आएंगे ना तो दांत हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं सबसे पहले कौन से दांत आते हैं आपको बताना है तो अगर मैं बात करूं जैसे मान लीजिए ये है हमारा निचला जबड़ा तो दोस्तों ये जो बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं ना ये सबसे पहले आते हैं आप लोगों के तो ये दांत आप लोगों के कौन से होते हैं इंसिजर होते हैं कृतंक होते हैं इन इंसिजर टीप को आप लोग किसके नाम से जानते हो स्माइलिंग टीप के नाम से भी जानते हो क्योंकि जब आप लोग हंसते हो सबसे पहले यही दिखते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा ये जो कैनायन है और ये जो आप लोगों का किस पेड़ है कैनायन का ही दूसरा नाम किस पेड़ है तो अगर आप लोग आंसर कैनायन देते तो आप लोगों को ये भी देना चाहिए था तो समझ लो बात को तो ए और सी तो ऐसे गलत हो गए लोगों लोगों के तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर है सचिन पाल जी सर जैसे आपने आ, 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 सर पर भी रेगुलर से, हाँ तो मैंने बता दिया ना आपको होली थी होली के उपलक्ष्य में छुट्टी थी हमारे तो रेगुलर क्लास चलती है चले आगे क्लियर चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों प्लांट हार्मोन का आपने 10 मिनट का वीडियो देख लिया था ना ऐसे ही वीडियो में आपको 10 मिनट का विटामिन का भी डालूंगा और भी कोई टॉपिक आपको 10 मिनट में समझना हो तो आप लोग मुझे बताइएगा उसका भी हम लोग वीडियो डालेंगे आवर्त सारणी के आवर्त तीन और वर्ग पंद्रह के तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है बताओ जल्दी से मैंने आपको बताया दोस्तों पीरियोडिक टेबल में आप लोग लोकेशन ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ठीक है तो ये रही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये रहा दोस्तों हमारा पहला आवर्त ऑरिजेंटल लाइन को आवर्त बोलते हैं पीरियड बोलते हैं पहला दूसरा और ये तीसरा सिमिलरली वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं वर्क बोलते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों का ग्रुप नंबर क्या आएगा पंद्रह आएगा ठीक है अब देखो मेरी बात को समझो पहले ग्रुप में कौन होता है मतलब पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम होता है दूसरे में इधर लिथियम बेरिलियम और इधर स्टार्ट हो जाता है बोरोन तेरहवे से है ना बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ऐसे आता है आपका ठीक है तीसरे में आप लोगों का कौन आता है अब देखो वर्ग पंद्रह की बात हो रही है तो वर्ग पंद्रह के पहले आवर्त में तो कोई भी नहीं आता दूसरे आवर्त में आता है आप लोगों का कौन नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है नेपाल पाकिस्तान याद है क्या तो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे होता है यानी आप लोगों के पंद्रवे ग्रुप में आएगा तीसरे आवर्त में आएगा फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता होगा मैंने कई बार बोल दिया दोस्तों एटलीस्ट एक, एक से तीस तो आप लोग याद रखो यार ठीक है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समझ में आ गई बात को क्लियर है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए ध्यान से देखिए आंसर बताओ सर आपका कोई बैच है क्या साइको का मेरा लास्ट टाइम साइको से सिलेक्शन रह गया था चेतन पाटिल जी जब आपका सीबीटी वन पूरा होगा उसके बाद में अपन लॉन्च करेंगे साइको वगैरह का ठीक है अभी आप लोग पहले सीबीटी वन पे अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग है ना सीबीटी टू का जो बेसिक साइंस एंड उस पर ध्यान रखिए अभी आप लोग बताओ देखो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑर्बिटल दिए हुए कक्षक दिए हुए सर ये कक्षक क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूं देखिए दोस्तों जो कोशिका होती है कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है न्यू अरे सॉरी मैं एटम की बात कर रहा हूं एटम से यहां पर कहां पर पहुंच गया कोशिका पे देखिए अगर बात करें एटम की एटम के बीच में क्या पाया जाता है न्यूक्लियस ठीक है यानी नाभिक और उसके चार ओर क्या पाए जाते हैं कोश पाए जाती है कक्षा पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये पहला कोश है, दूसरा कोष तीसरा कोष एक्चुअली में दोस्तों जो शैल होता है ना कोश होता है इसके अंदर क्या होते हैं सब शैल होते हैं उपकोष होते हैं सर इसके बारे में हमको पढ़ाया ही नहीं जाता बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाया जाता वो आप लोग जब ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ोगे तब आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ जो कोश होते हैं जैसे मान लो पहला कोश दूसरा कोश तीसरा कोश सर कोश के अंदर होते हैं उपकोश और उपकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं आप लोगों के ऑर्बिटल मिलेंगे कक्षक मिलेंगे तो हम लोग जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन आप लोगों का पहले कोश में या दूसरे कोश में या तीसरे कोश में एक्चुअली कोश के अंदर जो उपकोश है उपकोश के अंदर जो कक्षक है वहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ठीक है तो जैसे आप लोगों के कोष के अलग अलग नाम होते हैं के कोश एल कोश एम कोश एन कोश यानी पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष चौथा कोष वैसे ही दोस्तों आपको उपकोष के भी अलग अलग नाम होते हैं क्या एस उपकोष पी उपकोष डी उपकोष एफ उपकोष ठीक है तो अगर मान लो कोई कक्षक ऐसा है जो कि पहले कोष में आ रहा है और एस उपकोश में आ रहा है उसका नाम हो जाएगा वन एस कोई ऐसा कक्षक है जो दूसरे कोष में है पी उपकोष में है तो उसका नाम हो जाएगा टू पी कोई ऐसा कक्षक है जो तीसरे कोष में है और डी उपकोष में उसका नाम हो जाएगा थ्री डी समझ में आ गई बात को तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर इतने सारे कक्षक दिए गए हैं कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, इस जाएगा तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है ना उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और किसी भी कक्षक की एनर्जी आप लोग कैसे निकालते हो एन प्लस एल से सर ये एन क्या है एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या और एल है आप लोगों का एजी मुथल क्वांटम नंबर यानी एजी मुथल क्वांटम संख्या सर ये क्वांटम संख्या क्या होती है देखिए मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे अब क्वांटम संख्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताती है जैसे मैं पूछूं आपका एड्रेस क्या है आप लोग बोलोगे कि सर मैं बिहार में रहता हूं बिहार के पटना में पटना में गांधी मैदान के पास में मेरा घर नंबर ये है तो आप ये चारों चीजें बताओगे तभी तो मैं आप लोगों के घर पर पहुंच पाऊंगा आप सिर्फ पटना बोलोगे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा आप सिर्फ बिहार बोलोगे तो नहीं बोल पाऊंगा आप इंडिया बोलोगे तो नहीं पहुंच पाऊंगा समझ में आ गया सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है कौन से उपकोष में है कौन से कक्षक में है तो ये सारी चीजें बताने के लिए कुछ संख्याएं चाहिए होती है जिसको आप लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर किसी के लिए एक है इसका मतलब वह है पहले कोश में है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एन का मान टू है इसका मतलब वह दूसरे कोष में है एन का मान तीन है इसका मतलब तीसरे कोष में है चार है तो चौथे कोष में सिमिलरली एल जो होता है वो आपको किसके बारे में बताता है उपकोष के बारे में बताता है अगर का मान जीरो है इसका मतलब वह एस उपकोष में का मान वन है इसका मतलब पी उपकोश में का मान टू है इसका मतलब डी उपकोश में का मान थ्री है इसका मतलब एफ उपकोश में तो चलिए टू एस ये 2s कक्षक का मतलब क्या है ये दूसरा कोष एस उपकोष तीसरा कोष एस उपकोष दूसरा कोष पी उपकोष उपकोष तो देखो कोश है दूसरा तो n का मान कितना हो गया 2 हो गया उपकोष है s तो l का मान कितना हो गया जीरो हो गया यहां पर n का मान तीन हो गया यहां पर n का मान टू हो गया यहां पर n का मान थ्री हो गया एस यानी एल का मान जीरो पी उपकोष यानी का मान वन डी वाला यानी का मान टू अब आप लोगों को बताना है मैच करना है तो एन बराबर टू एल बराबर वन एन बराबर टू एल बराबर वन यानी पी आप लोगों का थ्री से कनेक्ट हो जाएगा पी आप लोगों का थ्री से कनेक्ट हो जाएगा चलिए क्यू जो होगा आप लोगों का वो किससे हो जाएगा q तो एन बराबर थ्री एल बराबर टू ये हो जाएगा आप लोगों का किससे फोर से तो क्यू आप लोगों का फोर से कनेक्ट हो जाएगा आर आप लोगों का किससे हो रहा है एन बराबर थ्री एल बराबर जीरो एन बराबर ये आर हो रहा है आप लोगों का टू से आर हो रहा है आप लोगों का टू से आर हो रहा है आपका टू से और एस जो है आप लोगों का वन से कनेक्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों एक चीज में आप लोगों को फिर से बताना चाह रहा हूं ध्यान से आप लोग समझिएगा आप क्या हो स्टूडेंट हो आपको चाहिए सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए क्या आप लोगों के सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉग होने चाहिए नहीं होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए चलो बात करते हैं सर साइंस की सबसे पहली आपका सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि सर मुझे तो टॉप पचास क्वेश्चन करा दो या चालीस नो डाउट दोस्तों क्वेश्चन करोगे हेल्प मिलेगी बिल्कुल लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना तो जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे जैसे मान लो अगर इस मैंने क्वेश्चन में ज्यादा समय लिया है तो यार क्वेश्चन समय वाला था अब जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया सर जल्दी जल्दी बताओ मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको नहीं आएगा समझ में तो अपने ज्यादा होशियार मत बनो या कोई क्वेश्चन अगर मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं तो ये ना सोचो कि सर आपने शॉर्ट में बता दिया ये तो जिस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको करना पड़ेगा अगर मैं किसी क्वेश्चन में दो मिनट लगा रहा हूं तीन मिनट लगा रहा हूं एक्सप्लेनेशन में तो वो है आप लोगों को तीन मिनट सुनना पड़ेगा तभी वो ठीक है ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा तो इतना पेशेंस आप लोग रखा करो

मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका पोर ब्रेन होता है अग्र मस्तिष्क होता है दोस्तों हिंड ब्रेन के भी आपके तीन पार्ट होते हैं एक होता है आप लोगों का पॉन्स एक होता है आप लोगों का मेडुला और एक होता है आप लोगों का सेरिबेलम जिसे आप लोग हिंदी में अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं देखो सेरिबेलम क्या होता है आपके मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है तो आपका जो हर्ट है वो भी तो मसल्स का बना हुआ है अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो आपका हर्ट भी ढंग से काम नहीं करेगा और हमारी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी इसीलिए हम लोग इसको ट्री ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों क्या आपको पता है सैरी विलम को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं लिटिल ब्रेन क्यों क्योंकि है तो साइज में छोटा लेकिन पूरा का पूरा ब्रेन नहीं है अगर मतलब ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है आपके बॉडी में ना ब्रेन है ना लीवर है कुछ भी क्योंकि अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी क्लियर है चले आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताए अच्छा क्वेश्चन है बताओ इसको फुसफुस धमनी फुस कर लो फुसफुस धमनी फुस ठीक है बताओ जब मानव हृदय का बाय सिकुड़ जाता है तब रक्त कहां पर जाता है देखिए आपको पता है ये जो हमारा हृदय है ना उसमें चार चैंबर होते हैं कई बार मैंने बताया ऊपर वाले को ऑरिकल आलिंद बोलते हैं नीचे वाले को वेंट्रिकल यानी निलय तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया देखो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल तो जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो क्या होगा देखो आपको पता है लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है आप किस में जाता है लेफ्ट ऑरिकल में बाय आलिंद में लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे ब्लड क्या होगा बाहर निकलेगा दोस्तों जिस नली में जाएगा उस नली का नाम क्या है उस नली का नाम है यानी तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ब्लड आपका वापस इस, इस जिसको बोलते हैं अलग अलग ऑर्गन में जाएगा लीवर में किडनी में सब में ठीक है ऑप्शन नंबर बी चले आगे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन जब राइट, राइट वेंट्रिकल दाया नीला जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड कहां पर जाएगा बताइए तब आंसर क्या होता तो देखिए दोस्तों राइट और, वेंट्रिकल या मैं बात करूं आप लोगों से राइट ऑरिकल इनमें डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है तो राइट ऑरिकल से पहले आता है राइट वेंट्रिकल में तो 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 राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा होगा तो इससे जो ये ब्लड ना वो बाहर निकलेगा तो इसको आपको कहां पर भेजना है लंग्स में भेजना है क्योंकि लंग्स क्या करेगा ये जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है इसको ऑक्सीनेटेड कर देगा इसमें ऑक्सीजन डाल देगा तो इस नली का नाम क्या है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड को लेके जा रही है इस नली का नाम है पुलमोनरी आर्टरी समझ में आ गया चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस बार ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन बताओ सर व्हाट इज एट्रियम और का ही दूसरा नाम है एट्रियम ठीक है बताओ देखो दो ओम तीन ओम और पांच ओम प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध एक वी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है यदि दो ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा चार एम्पियर है तो आपको बताना है वी की वैल्यू बताओ मतलब कितने वोल्ट की बैटरी लगाई देखो तीन प्रतिरोध तीनों को आपने श्रेणी में कनेक्ट कर रखा है दो ओम तीन ओम और पांच ओम समझ में आ गया क्या और इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपने कनेक्ट किया एक बैटरी से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल क्लियर है क्या कितने वोल्ट की बैटरी है वी वोल्ट की बैटरी है देखो अब आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि सर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना वो चार एम्पियर फ्लो हो रही है इसका मतलब दोस्तों यहां से बैटरी से चार एम्पियर ही करंट निकली होगी क्योंकि तो ये जो निकल रही है वो ही जाएगी आपकी दो एम्पियर में यानी बैटरी से जो मेन करंट निकली है उसकी वैल्यू कितनी हो गई चार एम्पियर हो गई तो अब आप लोग लगाओ V बराबर आई इन आर कितने वोल्ट की बैटरी आप लोगों ने लगाई सर V वोल्ट की लगाई इससे करंट कितनी निकली चार एमपियर की निकली दोस्तों ये जो जा रही है तो आपको इतने सारे रेजिस्टेंस जब होते हैं तो आपको इक्वलेंट निकालना पड़ता है ये सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर लो पांच प्लस तीन आठ प्लस दो दस क्लियर है तो कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी चार इंटू दस चालीस और वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट मतलब चालीस वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी क्लियर है क्या चले आगे क्लियर है और दोस्तों ये दो एम्पियर में जो करंट जा दो ओम रजिस्टेंस में जो करंट जा रही ना वही करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी क्योंकि तो जब भी रजिस्टेंस में होता है ना श्रेणी में तो करंट की वैल्यू सेम रहती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत अच्छा बताओ अम्लीय ऑक्साइड बनाने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से कौन सा है? है देखो आपको पता है, जितने भी आपके मेटल होते है ना, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं है? तो अगर आप लोग चाहते हो अम्लीय ऑक्साइड कोई बनाए तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा नॉन मेटल ढूंढना पड़ेगा अब देखिए अठारह परमाणु क्रमांक किसका होता है आर्गन का होता है आर्गन क्या नॉन मेटल है क्या धातु है क्या बिल्कुल तो आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे क्योंकि आर्गन नॉन मेटल तो है अधातु तो है लेकिन इनर्ट है किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा ही नहीं ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों उन्नीस किसका है पोटेशियम का है पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा वो आपका बेसिक नेचर का होगा क्योंकि पोटेशियम मेटल है तो ये भी नहीं होगा बारह किसका होता है मैग्नीशियम का होता है तो मैग्नीशियम भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा वो बेसिक नेचर का होगा शारीरिक प्रकृति का होगा छह होता है कार्बन का कार्बन जो ऑक्साइड बनाएगा जैसे सीओ टू की बात ये आप लोगों का अम्लीय प्रकृति का होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे बताइए सर टेक्नीशियन वन और टेक्नीशियन थ्री सेम कोर्स है क्या नहीं या टेक्नीशियन ग्रेड वन में आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियर और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री में आपका जनरल साइंस है ये जनरल साइंस चल रही है आप लोगों की मजेंटा जीप डैश विटामिन की कमी वालों में पाई जाती है देखिए दोस्तों मजेंटा टंग में क्या होता है आपकी जो टंग होती है ना वो आप लोगों को उसमें दाने दाने जैसा हो जाएगा आप लोगों का ठीक है जैसे वो होता है ना अल्सर टाइप के तो ऐसे दाने दाने जैसे कुछ हो जाएगा तो ये जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं मजेंटा टंग ये होती है विटामिन बी की कमी से विटामिन बी जिसको विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है क्या आप लोग बता सकते हो इसका केमिकल नेम क्या है सर इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन ठीक है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चले आगे चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आंसर बताइए देखिए आपको यहां पर दो वायर दिए गए हैं ये है वायर एक्स ये है वायर वाई इसकी लंबाई दी गई है एल इसकी दी गई है टू एल दोस्तों इसका जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वो DIY, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है तो आपको बताना है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा किसका कम होगा देखिए दोस्तों किसी भी तार का आपको रेजिस्टेंस निकालना है प्रतिरोध निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे क्रॉस सेक्शन एरिया अब देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है सर ये वायर एक्स और वायर वाई ये तो बताया हुआ नहीं है कि ये कॉपर का है ये सिल्वर का है या फिर ये लोहे का है ये चांदी का है, नहीं तो हम लोगों को ये मानना है दोनों समान पदार्थ के बने हुए हैं तो अगर दोनों समान पदार्थ के बने हुए हैं तो दोनों की प्रतिरोधकता दो भी समान ही होगी क्योंकि प्रतिरोधकता पदार्थ के साथ में चेंज होती है लंबाई चौड़ाई पे, पर पे, पे, निर्भर नहीं करती तो इसकी प्रतिरोधकता को रो मान लिया इसकी भी प्रतिरोधकता रो हो जाएगी तो इस वायर एक्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसकी प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसकी प्रतिरोधकता बटे लंबाई बटे एरिया बात समझ में आ गई बात आ गई समझ में तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो यार यार इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है है डबल है यार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा वायर वाई वाले का रजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा एक्स वाले के मुकाबले ठीक है तो बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है सिंपल क्वेश्चन था इसमें तो मेरे को लगता है कोई आपको डाउट आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ बताओ देखिए यहां पर आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई है तो आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है मतलब ऑप्शन नंबर ए ये बोलना चाह रहा है कॉपर ऑक्साइड का तो ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है अपचयन हुआ है तो आप लोगों को चार ऐसे पेड़ दिए हुए तो आपको सही पहचानना है बताओ देखो आपको सभी को पता है जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलोगे उसका रिडक्शन हुआ है अपचयन हुआ है यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तभी तो कॉपर मिलाया आपको तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन यानी अपचयन समझ में आ गया चलो अब आप लोग ध्यान से देखो जो H2 है उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो H2 वो बना है यानी H2 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे को लगता है इसमें कोई आपको डाउट आ रहा होगा ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिए बताओ बताओ यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि जब एक्स की रिएक्शन करवाएंगे बेरियम क्लोराइड से तो एक तो आप लोगों को मिलता है क्या वाई जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है एक सफेद कलर का अवक्षेप है अवक्षेप किसको बोलते हो जो आपका मान लो जो घुलता नहीं है जो भी आपको प्रोडक्ट मिला उसमें घुलेगा नहीं वो नीचे बैठ जाएगा आप लोगों का साथ में मिल रहा है सोडियम क्लोराइड तो आप लोगों को पहचानना है कि ये वाई क्या है और ये एक्स क्या है अच्छा क्वेश्चन है

सिमिलरली दोस्तों इतने करोड़ों प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है आपको सबको थोड़ी याद रखना लेकिन एटलीस्ट वो तो ध्यान रखो जो आपको एनसेटी में दिया हुआ है और मैंने इस वाले रिएक्शन के बारे में आपको कई बार बताया जब भी मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया ना मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करवाओगे तो क्या मिलता है आपको एक तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलियन और साथ में बेरियम सल्फेट ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना ये क्या है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट का मतलब ये घुलता नहीं है और उसका कलर क्या है व्हाइट है तो जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला वो क्या है बेरियम सल्फेट है तो वाई तो आपका हो जाएगा आप लोगों का बेरियम सल्फेट अब बात आती है कि ये आपका एक्स के साथ में जो बेरियम बेरियम क्लोराइड के साथ में जो एक्स था वो क्या था वो था सोडियम सल्फेट दिक्कत ये है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ही नहीं पता सूत्री नहीं पता ये होगा या फिर ये होगा अब क्या करें अब क्या करें बताओ अब क्या करें फॉर्मूला याद नहीं है तो दोस्तों फॉर्मूला होगा आप लोगों का एन ए टू फोर ऑप्शन नंबर डी है चलो दोस्तों मान लो आप एग्जाम में भूल गए कि सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता सोडियम सल्फेट का एन एसओ फोर होगा या एन ए टू फोर होगा तो क्या करोगे आप लोग कॉमन सेंस लगाओ देखो यहां पर मैं लॉजिक जानना चाहता हूं कि सर एग्जाम में आप कैसे सोचोगे कि सर फॉर्मूला ये होना चाहिए ये ये होना चाहिए कॉमन सेंस लगा के बताओ कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या होगा कैसे करोगे आप लोग बताओ कॉमन सेंस लगा के बताओ कॉमन सेंस लगा के बताओ कैसे करोगे अरे फिर वही बात कि सर ये वाला होगा अरे बताओ तो सर क्या होगा तो मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुक्का लगाना हो तो क्या लगाओगे मैं आपको बोल रहा हूं कि कैसे दिमाग लगाओगे कैसे सोचोगे कि सर ये होगा ये होगा चलो एक चीज मुझे बताओ मुझे बताओ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सभी को पता है क्या हाँ, सर पता है कैल्शियम सल्फेट भी आपने सुना होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है यानी बात क्लियर है के साथ में मेटल बैठता है हमेशा एसो फोर के साथ में मेटल बैठता है, है लेकिन दिक्कत यह है कि एक बैठेगा या दो बैठेगा तो आप सोचो कि देखो सर इसके साथ में एक मेटल बैठा है तो मैं एक वाला आंसर लगा दूंगा नहीं चलो बहुत अच्छी बात है आपको ये फॉर्मूला पता है ये मैं मान के चल सकता हूं बिल्कुल ऐसो फोर के साथ में बैठता है मेटल और जब कैल्शियम बैठेगा वो एक बैठेगा सोडियम कितने बैठेंगे एक बैठेंगे दो बैठेंगे ये हमको पता लगाना है ठीक है दोस्तों क्या आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या ये होता है क्या आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या सर ये होता है क्या कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या ये होता है तो देखो ऑक्सीजन के साथ में जब मैग्नीशियम बैठता है तो संख्या में एक होता है ऑक्सीजन के साथ में जब कैल्शियम बैठता है संख्या में एक होता है तो देखो दूसरे ग्रुप में क्या क्या आता है बेटा मांगे कार देखो इन सभी की प्रवृत्ति एक जैसी है जब मैग्नीशियम के साथ बैठेगा ऑक्सीजन तो संख्या में एक होगा कैल्शियम के साथ में बैठेगा तो संख्या में एक होगा ये सोडियम कहां पर आता है पहले ग्रुप में आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तो इस संख्या में दो होता है यानी जब अगर कोई सेकंड ग्रुप वाला बैठ रहा है अगर उसकी संख्या एक है जैसे यहां पर ऑक्सीजन के साथ में सेकंड ग्रुप वाला बैठा है इनकी संख्या एक है तो फर्स्ट ग्रुप वाले की दो होगी इसलिए ऑक्सीजन के साथ में दो सोडियम बैठे तो सिमिलरली सल्फेट के साथ में दो सोडियम बैठेंगे ऐसे में दिमाग लगा सकता था ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्या चले आगे ऐसे में दिमाग लगा सकता था चलो आ जाओ नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ध्यान से समझो आपको बताना इसमें से कौन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के है ना मतलब किसमें करंट फ्लो नहीं होगी बहुत मुश्किल से होगी मतलब ऑलमोस्ट इंसुलेटर है ये बताओ आप लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा देखो अभी मैं बताऊं आपके जो भी रटने वाले ना सारे सामने आ जाएंगे देखो यहां पर स्टार्ट हो गए ए बी सी डी सारे आ गए दोस्तों कॉमन सेंस लगा के बताओ जो मेटल्स होते हैं ना मेटल जो होते हैं ना वो तो एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं तो वो बैड कंडक्टर कैसे हो जाएंगे तो अगर कोई बी और सी को बोल रहा है ना उसको गोली मारो गोली मारो गोली मारो ठीक है ये भी आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से ऑप्शन एक भी सही नहीं है एक भी ठीक है ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया लेकिन बस आंसर दे, दे रहे हो एक कॉमन सेंस लगाओ जो बी और सी तो सबसे बड़े बेवकूफ है यार मेटल तो अच्छा कंडक्टर होता है उसको कहां से आप बैड कंडक्टर बना रहे हो बात करते हैं ड्राई पेपर बिल्कुल दोस्तों ड्राई पेपर में से करंट फ्लो नहीं हो सकती देखो ये इंसुलेटर है ड्राई पेपर एक सूखा कागज इंसुलेटर है उसकी प्रतिरोधकता देखो कितनी ज्यादा है तो ये आप लोगों का क्या है एक बैड कंडक्टर है क्या सर आपका मैग्नीन भी एक बैड कंडक्टर है मैग्नीन है क्या सबसे पहले समझो ये एक अलॉय है मिश्र धातु है मैग्नीन कौन सी से धातु से मिलकर बनता है कॉपर मैगनीज और निकल से मिलकर बनता है सर अगर बात करें इसकी प्रतिरोधकता हाँ सर धातु से हल्की सी ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है मतलब इनमें भी करंट फ्लो होती है बहुत अच्छे से होती है कोई दिक्कत नहीं तो ये बैड कंडक्टर नहीं है तो अगर इसमें से एक ऑप्शन ये आएगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है केवल एक बैड कंडक्टर है जितने भी आप लोगों को दिए हुए यहां पर एक तो ड्राई पेपर है ना एक दोस्तों रबर भी आप लोगों का बेड कंडक्टर में आपको बताऊं रबर जो होता ना वो भी इंसुलेटर है और एक एबोनाइट वो भी एक इंसुलेटर है लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें दोस्तों ड्राई पेपर रबर और एबोनाइट एक साथ हो देखो जो आपका ड्राई पेपर होता है रबर होता है एबोनाइट ये इंसुलेटर होते हैं ध्यान रखिएगा क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है चलो अच्छे अच्छे सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इस बार ग्रुप डी का पूछा हुआ है है बताओ बताओ आप लोगों को सेमी मेटल है। सेमी मेटल मेटल पहचानना किसको बोलते हैं मेटलोइ को बोलते हैं सल्फर आपका अधातु फॉस्फोरस अधातु ये हो नहीं सकता हाइड्रोजन अधातु हीलियम अधातु ये हो नहीं सकता कार्बन अधातु नाइट्रोजन अधातु ये हो नहीं सकता सिलिकॉन जर्मेनियम ये क्या है आपके मेटेलॉइड है क्लियर है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आप लोग प्लीज क्लास के बाद में कमेंट करके बताइएगा स्कोर कितना रहा कोई बात नहीं बीस में से चार हो छह हो हम लोगों को ये अभी बीस में से बीस यहां पर लाना मेन एग्जाम में ले आएंगे चालीस में से चालीस मेन एग्जाम में ले आएंगे अभी आप लोग सीखो अपनी गलती को पहचानो ठीक है चलिए दोस्तों जो आधार बैच है वो आप लोगों का चालू हो चुका है साइंस रीजनिंग मैथ्स आप लोग जाके डेमो भी देखो यार आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो बार बार भटकना नहीं है आपको डेली लाइव क्लास है प्रॉपर बायलिंगुअल कंटेंट है एग्जाम ओरियंटेड कंटेंट है चैप्टर वाइज थ्रोरी है साथ में एमसीक्यू भी कराए जाएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल है और आपको

ठीक है चले आगे थैंक यू सो मच टेक केयर बाय और टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा बाय